हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल। माय नेम इज़ भार्गवी पटेल एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू स्टैंडर्ड 4 मैथमेटिक्स। हमने जो लास्ट लेक्चर में चैप्टर स्टार्ट किया था कार्ड्स एंड व्हील्स, ओके, तो हम ये वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आप अपनी नोटबुक खोल के रखिए। तो अभी ये स्टोरी फिर से अलग स्टूडियो थी, मेकिंग अ सर्कल। तो सर्कल कैसे बनाना है वो है, ठीक है, मेकिंग अ सर्कल। तो नैना, चिप्पू एंड अरिबा वॉन्ट्स टू प्ले अ गेम, यानी कि तीन फ्रेंड्स है, नैना है, चिप्पू है एंड अरिबा है, वो गेम खेलना चाहते हैं। दे वांट टू मेक अ बिग सर्कल ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे खेल रहे थे और वो ग्राउंड पे एक बड़ा सा सर्कल बनाना चाहते हैं। सो बट दे कैन नॉट मेक इट बाय ट्रेसिंग, सो अरिबा ट्राइज टू ड्रॉ अ सर्कल विथ अ स्टिक, पर वो उनसे ठीक से सर्कल बन नहीं रहा था, यानी कि जब वो बनाना चालू कर रहा था तब वो ठीक से सर्कल नहीं बन रहा था। सो अरिबा ने सर्कल स्टिक की मदद से बनाना स्टार्ट किया। ये देख सकते हैं आप, ये अरिबा है, इसने स्टिक की मदद से सर्कल बनाना किया, पर क्या ये पूरा सर्कल अच्छे से बना नहीं है। आप देख सकते हैं इधर, ये इधर से बीच में से रह गया है, ऐसा है, मतलब प्रॉपर सर्कल नहीं बना है, ठीक है। सो चिप्पू एंड नैना, इट डज लुक लाइक अ सर्कल एट ऑल, तो चिप्पू और नैना बोलते हैं अरिबा को कि सर्कल जैसा दिख नहीं रहा है। तो अरिबा, ओके, व्हाई डोंट बोथ ऑफ यू ट्राई, तो अरिबा बोलती है ठीक है, अगर मेरे से नहीं बन रहा है तो आप दोनों क्यों ट्राई नहीं करते हो सर्कल बनाने का। सो चिप्पू एंड नैना बोथ मेक सर्कल्स ऑन द ग्राउंड, तो चिप्पू और नैना सर्कल बनाने का ट्राई करते हैं पर उनसे भी ठीक तरीके से नहीं बनता है, तो हमें देखना है कि वो कैसे बनाते हैं आगे, ठीक है, ओके। तो ये क्या है, क्वेश्चन है कुछ, इफ इज एनी ऑफ दिस अ गुड ड्रॉइंग ऑफ अ सर्कल, इसमें से किसी का भी सर्कल प्रॉपर बना है तो नहीं बना है, ठीक है, तो मैं क्या लिखेगा इधर, नो। फिर क्या है, कैन यू ड्रॉ अ सर्कल ऑन द फ्लोर विथ अ चॉक, तो आप नीचे फ्लोर पे चॉक की मदद से सर्कल बना सकते हो, हाँ आप ट्राई कर सकते हो, पर अगर आपसे प्रॉपर सर्कल बन जाए तो ठीक है, पर अदरवाइज सर्कल ठीक से नहीं बनेगा। सो ऑल्सो ड्रॉ अ सर्कल इन योर नोटबुक यूजिंग अ पेंसिल, आप अपनी नोटबुक में भी पेंसिल की मदद से सर्कल बनाने का ट्राई कर सकते हैं। सो लुक एट द सर्कल्स ड्रॉन बाय योर फ्रेंड्स, हु हैज ड्रॉन द बेस्ट सर्कल, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ नोटबुक में पेंसिल की मदद से सर्कल बनाना है। किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे हमने आगे किया था बैंगल्स है, रिंग है, प्लेट है, बाउल है, उसकी मदद से नहीं, सिर्फ आपको पेंसिल से अपने हाथ से बनाना है और देखना है किसका बेस्ट बनता है, आपका या आपके दोस्तों का, ठीक है, ओके। मेकिंग अ सर्कल विथ अ रोप, तो ये रोप की मदद से हम सर्कल बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है, ओके। तो इन्होंने क्या किया है, बीच में एक सेंटर पकड़ लिया है, इधर कोई भी जगह पे सेंटर है, और फिर इन्होंने रोप लाई हुई है, जो भी कोई रोप है, ये इतनी लंबी रोप है, और रोप को एक साइड से उन्होंने बांध कर रखा है, और इसमें जिसकी मदद से वो ग्राउंड पे बनाना चाहते हैं तो स्टिक, तो वो स्टिक दूसरी साइड पे लगाई हुई हो और एक साइड से इसे पकड़ रखा है, अभी ये पकड़ रखा है और इधर उन्होंने स्टिक लगाई हुई है, और जो रोप है वो ऐसी सीधी रहेगी और फिर ऐसे वो राउंड घूमेगा तो ठीक से बन जाएगी, तो हमें ऐसे ही देखना है, ठीक है। सो अरिबा डिसाइडेड टू यूज नेल्स एंड थ्रेड, तो अरिबा ने नेल्स और थ्रेड की मदद से सर्कल बनाने का स्टार्ट किया, ओके। सो शी टुक अ थिन रोप एंड टाइड नेल्स ऑन बोथ एंड्स ऑफ द रोप, तो वो एक पतली सी रोप लेके आई और उन्होंने दोनों साइड पे उसने वो गांठ मार दी, और देन शी मेड अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड्स, और फिर से अपने फ्रेंड की मदद से सर्कल बनाया। सो लुक एट द पिक्चर एंड सी हाउ दे आर मेकिंग द सर्कल, तो उसने क्या किया, छोटी सी रोप लेके दोनों साइड पे उसने गांठ मार दी, फिर एक साइड से वो कसके पकड़ के बीच में बैठ गई, यानी कि वो सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया, और दूसरी साइड से जो उसका दोस्त था उसने इसमें स्टिक लगाई और स्टिक लगा के वो ऐसे गोल घुमा, यानी कि ये जो रोप है वो हमें सीधी रखनी है ताकि सर्कल कंप्लीट, हमसे बेस्ट सर्कल यानी कि कंप्लीट सर्कल बने। सो कैन यू ऑल्सो मेक अ सर्कल विथ अ रोप एंड अ नेल्स लाइक अरिबा, हाँ तो आप अपने घर पे ऐसे यूज़ कर सकते हो, ग्राउंड पे नहीं जाना है तो आप अपनी नोटबुक पे क्या कर सकते हो, छोटी सी रोप ले सकते हो, फिर एक साइड से रोप को पकड़ के, यानी कि जो आपको सर्कल ऑफ द सेंटर बनाना है उधर पकड़ेंगे, और दूसरी साइड से पेंसिल लगा के गोल घुमाएंगे तो परफेक्ट सर्कल बनेगा, ओके। सो अभी कुछ एक्टिविटीज़ हम करनी है, डू द एक्टिविटी इन स्मॉल ग्रुप्स, ईच ग्रुप शुड टेक अ रोप ऑफ अ डिफरेंट लेंथ, सीधे सर्कल्स मेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स, आपको अपने दोस्तों के साथ ये एक्टिविटीज़ करनी है, आपको रोप लेनी है अलग अलग स्ट्रेंथ के, अलग अलग लेंथ की लेनी है, अगर आप कोई छोटी ले सकता है, कोई उससे बड़ी लेगा, कोई उससे बड़ी लेगा, ऐसे रोप अलग अलग लेनी है और अलग अलग सर्कल्स बनाने हैं, ओके। सो विच ग्रुप मेड द स्मॉलेस्ट सर्कल, तो सबसे छोटा सर्कल किससे बनेगा, यानी अगर आपने तीन ग्रुप्स बनाए हैं, एक के पास छोटी रोप है,
एक के पास उससे बड़ी है और तीसरे के पास सबसे बड़ी है, तो स्मॉलेस्ट सर्कल किसका बनेगा? जिसके पास छोटी रोप है उसका छोटा सर्कल बनेगा, क्योंकि हम ये सेंटर से ये रोप इतनी सी रोप लेते हैं तो ये इतनी रोप लेंगे तो ये बनेगा सर्कल। तो ये रोप छोटी है यानी कि इसको हम रेडियस बोलते हैं। अगर ये रेडियस छोटा है तो सर्कल छोटा बनेगा। तो ये रोप कितनी है? इतनी है। अगर हम इसे बड़ी रोप लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बड़ी ली, तो सर्कल कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। तो स्मॉल सर्कल किसका बनेगा? तो जिसने छोटी रोप ली है उसका स्मॉल बनेगा। सो हाउ लॉन्ग वॉज देयर रोप? तो फॉर एग्जाम्पल हमने ये रोप ली है तो ये स्मॉलेस्ट सर्कल बना है। तो अगर हम आपको अपनी नोटबुक में बनाना है और फिर रूलर की मदद से ये इससे यहाँ से लेके यहाँ तक का माप लेना है। अगर रूलर से करेंगे आप तो अप्रोक्सीमेटली 1 और 1.5 सेंटीमीटर होगा। तो हम इधर आंसर लिखते हैं 1.5 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 1.5 सेंटीमीटर आएगा। ओके, सो डज अ लॉन्गर रोप कैन मेक अ बिगर सर्कल? यस, अगर छोटी रोप है तो छोटा सर्कल बनेगा, सेम वैसे ही अगर बड़ी रोप है तो बड़ा सर्कल बनेगा। ओके, अभी हम अगले पेज की तरफ जाते। ओके, सेम है। तो मैंने बोला था इसको हम रेडियस कहते हैं, तो इसका रेडियस की फॉर्मूला है द लेंथ ऑफ रोप यूज इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब हमने जितनी भी रोप ली है उसको आप रूलर, आप अगर घर पे छोटी सी रोप ले सकते हैं उसको आप रूलर की मदद से नाप लेना, जितनी भी हो सकते हैं 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। तो जो जितनी भी लेंथ है रोप की उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। हमें इधर से रख के इधर से फिर सर्कल ऐसे बनाया है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रेडियस। सो व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल? हमने आगे जो स्मॉल सर्कल बनाया था ये रेडियस है और ये हमें स्मॉल सर्कल बनाया, तो हमें ये रूलर की मदद से नापना है कि रेडियस कितना है। तो हमने नापा था तो कितना हुआ था? 1.5 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट सर्कल का 1.5 सेंटीमीटर। आप अपने जितना भी आपने अगर छोटा सर्कल बनाया इससे थोड़ा बड़ा सर्कल है तो आपका ये नाप है वो अलग आएगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर भी आ सकता है, किसी का 1 भी आ सकता है। ठीक है, ओके, अभी हम अगली पेज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, सो इधर क्या कहा है? ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस बैंगल यूजिंग अ रूलर, मेजर द लेंथ ऑफ द रेडियस। तो ये जो बैंगल है आप घर पे कर सकते हो, घर पे अपने मम्मी की बैंगल्स लेके आप नोटबुक में आपको सर्कल बनाना है ऐसे, बीच में ये पॉइंट रख देना है बीच में, मतलब अगर आप सर्कल बनाने के लिए बैंगल रखेंगे बीचों बीच ऐसे सेंटर, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमारा इसका रेडियस कितना होगा? तो यहाँ से लेके यहाँ, इसको रेडियस बोलते हैं। हम किसी भी साइड से ले सकते हैं, रेडियस हमारा सेम ही आएगा। अगर हम यहाँ ले गए या यहाँ, किसी भी साइड से लो रेडियस सेम आएगा। ठीक है, तो आपको रूलर की मदद से इसको नापना है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर जितना आएगा। ठीक है, आप घर पे बनाएंगे उसका अलग भी आ सकता है आंसर। नाउ सी व्हाट योर फ्रेंड्स हैव ड्रॉन, डिस्कस द लेंथ ऑफ द रेडियस दे मेजर एंड इट इज़ द सेम एज योर्स। तो सेम आपको घर पे ऐसे बैंगल की मदद से सर्कल बनाना है, आपके फ्रेंड्स भी बना सकते हैं। सबके मम्मियों के बैंगल्स के नाप तो अलग अलग होते हैं, तो सबका रेडियस भी अलग अलग आएगा। ठीक है, ओके, सो ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल्स, गेस विच सर्कल हैज़ द लॉन्गर रेडियस। तो अभी हमें दो सर्कल दिए हैं, हमें गेस करना है कि किसका सर्कल बड़ा होगा। तो ये ऑब्वियस वस्तु है कि ये छोटा वाला सर्कल है और ये बड़ा वाला सर्कल है। तो मैंने बताया था कि अगर ये जो नाप है रोप छोटी होगी तो उसका रेडियस भी छोटा होगा, और बड़ा सर्कल है तो उसकी रेडियस भी बड़ा होगा। तो आंसर क्या है? विच सर्कल हैज़ द लॉन्गर रेडियस? तो ये ब्लू सर्कल का रेडियस बड़ा होगा। एंड मेजर द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल यूजिंग अ रूलर, आप रूलर की मदद से इसका रेडियस नाप सकते हैं। ओके, तो मैंने ऐसा कराया ब्लू, ओके, तो इसका रेडियस बड़ा होगा, इसका छोटा होगा। सो राइट द लेंथ ऑफ द रेडियस, तो रेडियस ऑफ द ग्रीन सर्कल, तो आपको रूलर की मदद से नापना है। मैं इधर अप्रोक्सीमेट लिख रही हूँ, आप घर पे बना के ऐसे नाप सकते हैं। इसका कितना होगा? 1 सेमी होगा, और ये इससे बड़ा है तो ये 1.5 लिखते हैं हम। तो ग्रीन सर्कल का कितना आएगा रेडियस? 1 सेंटीमीटर, और ब्लू सर्कल का कितना आएगा? 1.5 सेंटीमीटर। ओके,
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप आंसर अपनी बुक में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं फिर। फाइंड आउट मेजर द रेडियस ऑफ द व्हील्स और अ बाइसिकल और अ बुलॉक कार्ट। यू कैन यूज अ थ्रेड और अ मेजरिंग टेप। घर पे अगर आपके घर पे साइकिल्स है, बाइसिकल्स है और बुलॉक कार्ट, तो अभी इधर देखने को कम मिलता है। बुलॉक कार्ट यानी कि जो बुल को बांध के हम पीछे से चलाते हैं, बैलगाड़ी बोलते हैं उसको, उसका जो व्हील होता है वो। ओके, तो आप थ्रेड और मेजरिंग टेप की मदद से वो नाप सकते हैं। आर ऑल द व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल और अ बुलॉक कार्ट ऑफ द सेम रेडियस। तो बाइसिकल के जो दो पहिए होते हैं और बुलॉक कार्ट के भी दो ही होते हैं। तो हमें ये पूछा है कि जो बाइसिकल के दो पहिए होते हैं उसका रेडियस सेम होता है, तो ऑफकोर्स सेम होता है। हमने अपने बाइसिकल तो देखी होगी, बाइसिकल के दोनों पहिए होते हैं वो सेम होते हैं, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। तो अगर दोनों व्हील सेम है तो उसका रेडियस भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो हमें क्या लिखना है, यस ओके। हैव यू सीन अ ट्रैक्टर और अ रोड रोलर। आपने ट्रैक्टर और रोड रोलर, रोलर जो मतलब कि जो रोड बनता है, तब बड़ी बड़ी मशीन्स यूज होती है, उसमें एक होता है रोड रोलर, आपने वो भी देखी होगी, आपने ट्रैक्टर भी देखा होगा। तो इसका क्या पूछा है, हैव यू सीन अ ट्रैक्टर और रोड रोलर। सो यस, हमने देखा है ट्रैक्टर और रोड रोलर। सो विच इज़ द बिगेस्ट व्हील यू हैव एवर सीन। ओके, सो विच इज़ द बिगेस्ट व्हील यू हैव एवर सीन। तो सबसे बड़ी व्हील आपने देखी है, हाँ। तो जब ये कंस्ट्रक्शन साइट होती है ना, घर बनते हैं, मकान बनते हैं, उधर पे बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े व्हील्स वाली बड़ी बड़ी मशीन्स होती है ना, जेसीबी कहते हैं जिसे हम, ऐसे बड़े होते हैं, तो उनके व्हील बहुत बड़े होते हैं। ओके, सो हैव यू एवर सीन, आपने देखे ही होंगे। सो आर ऑल व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर और अ रोड रोलर ऑफ द सेम रेडियस। तो क्या पूछा है कि ट्रैक्टर के जितने भी व्हील्स होते हैं, ट्रैक्टर के कितने होते हैं, फोर व्हील्स होते हैं, रोड रोलर के भी फोर होते हैं, तो उनका रेडियस सेम होता है। तो आंसर क्या आएगा, नो। आपने ट्रैक्टर देखा होगा, ट्रैक्टर के जो फ्रंट व्हील होते हैं, दो व्हील, वो छोटे होते हैं और पीछे के दो व्हील होते हैं वो बड़े होते हैं। अब जब एक छोटा है और एक बड़ा है तो दोनों का रेडियस भी चेंज आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नो। ऑल व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर और रोड रोलर ऑन द सेम रेडियस, नहीं, सेम रेडियस के नहीं होंगे, क्योंकि एक छोटा है और एक बड़ा है। ओके, ठीक है, आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो हम अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो इधर दो बकरियों की बात हो रही है, जिसका एक का नाम है लाली और एक का नाम है काली। दोनों को ये जो लकड़ी है उसे बांध के रखा हुआ है। सो लाली एंड काली आर टाइड टू अ पोल विथ अ रोप्स, मतलब पोल रोप की मदद से दोनों को बांधा हुआ है। सो काली हैज अ लॉन्गर रोप, ये काली है, काली और ये है लाली। ओके, हु कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू इट्स। तो काली के रोप का है बड़ा है और लाली का रोप छोटा है, तो हमने आगे भी देखा है जो रोप की जितनी लेंथ कम होगी, सर्कल उतना छोटा बनेगा और उसका रेडियस भी छोटा होगा, और जिसकी रोप बड़ी है उसका रेडियस भी बड़ा होगा और उसका सर्कल भी बड़ा बनेगा। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, हु कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू इट। तो ज़्यादा घास कौन खा पाएगा, काली और लाली। तो हमारा आंसर क्या आएगा, काली। क्यों, क्योंकि काली की रोप बड़ी है, अगर काली की रोप बड़ी है तो उसका सर्कल भी बड़ा बनेगा, और सर्कल बड़ा बनेगा तो उस सर्कल में जितनी भी घास है वो सारी काली खा सकेगी, और लाली की रोप छोटी है तो उसका सर्कल भी छोटा बनेगा तो वो कम घास खा पाएगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, काली। ठीक है, ओके। दलजीत डिज़ाइन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, सो दलजीत डिज़ाइन, तो दलजीत हैज मेड द डिज़ाइन यूजिंग अ कंपास। तो अभी हमें दलजीत ने कंपास की मदद से डिज़ाइन बनाई। अभी हमें ये देखना है कंपास क्या है, कंपास एक ऐसी चीज़ है जिसको ये दो हैंड्स होते हैं और इधर एक स्क्रू आता है जिससे हम दो हैंड्स को टाइट कर सकते हैं। ये जो एक एक साइड पे है होल्ड, पेंसिल होल्ड करने के लिए होता है, और दूसरी साइड पे होता है जो हम पेज पे रख के ऐसे सेंटर बना सकते हैं, और दूसरी बाजू जो पेंसिल होती है, इधर पेंसिल आएगी, ये हमें घुमाना है ताकि सर्कल बनेगा। आगे होगा, मैं दिखाती हूँ आपको कंपास किसे कहते हैं। ओके, तो ऐसा कंपास आएगा, ऐसा वाला, जिसकी मदद से आपको सर्कल बनाना है। ठीक है, कंपास आता है ऐसे, ऐसी एक चीज़ आती है, इधर स्क्रू होता है
और ये ऐसे दो साइड आती है, ये जो टॉप है इसकी लेंथ सेम होनी चाहिए और इधर हम जो दूसरी साइड पेंसिल भरा पेंसिल लगाएंगे वो भी सेम होनी चाहिए। ओके देखते हैं, ये रहा कंपास, इसको बोलते हैं कंपास, ये जो दलजीत के पास है ऐसा वाला कंपास आता है जिसकी मदद से हम परफेक्ट सर्कल बना सकते हैं। जो इसने बनाया है ये जो सर्कल बनाया है ये उसने ये कंपास की मदद से बनाया, ठीक है। सो हिज सिस्टर केम एंड स्टार्टेड मेकिंग मोर डिज़ाइंस विद इट, तो उसकी बहन आती है और वो कंपास की मदद से दलजीत के साथ डिज़ाइन बनाती है, तो उसे ऐसी सारी डिज़ाइंस बनाई है सर्कल्स। सो डू यू वॉन्ट टू मेक सच डिज़ाइंस, टू मेक सच डिज़ाइंस यू विल नीड टू यूज़ अ कंपास, तो ऐसी चीज़ें बनाने के लिए आपको कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम इसमें देखते हैं कंपास को यूज़ कैसे करते हैं सर्कल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये है कंपास, तो इसको बोलते हैं हम कंपास। ये बीच में से ऐसा होता है स्क्रू जो हमें ऑलवेज टाइट रखना होता है, और ये है होल्ड फॉर अ पेंसिल, इसमें हम पेंसिल लगाएंगे। सो हैव यू सीन अ कंपास बिफोर, हाउ विल यू यूज़ दिस टू मेक अ सर्कल, तो हमें देखना है कंपास की मदद से हम सर्कल कैसे बना सकते हैं। सो ओपन योर कंपास, प्रेस द टिप ऑफ द कंपास ऑन द पेपर एंड होल्ड द कंपास फॉर फ्रॉम द टॉप, तो ये जो दूसरी साइड है ये हम पेपर के ऊपर रखेंगे, इसको हम पेपर के ऊपर रखेंगे और इधर से हम टाइट पकड़ के रखेंगे, यहाँ से हमें टाइट रखना होता है ताकि सर्कल कंप्लीट बने, ठीक है। और ये पेंसिल का होल्ड करने के लिए, विदाउट मूविंग द टिप ट्राई टू मूव द पेंसिल अराउंड, तो ये पेपर के ऊपर रखना है और इधर से पकड़ कर टाइट पकड़ना है और फिर हमें सिर्फ ये पेंसिल वाला जो एरिया है वही घुमाना है ताकि हम परफेक्ट सर्कल बना सकें। ओके सो लुक फॉर अ मार्क वेर यू हैड केप द टिप ऑफ द कंपास, आप जब ये साइड ये जो है ये पेपर के ऊपर रखेंगे और सर्कल बनाएंगे तब वहाँ छोटा सा होल हो जाएगा, एक छोटा सा होल हो जाएगा, तो आपको उधर बना देना है और उसको हम क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।